ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में मुथूट फाइनेंस में हथियारों से लैस नकाबपोश लुटेरों ने ऑफिस में घुसकर लूटपाट की और गोलीबारी की। दिन दहाड़े मुथूट फाइनेंस में हुई लूटपाट और गोलीबारी से दहशत का माहौल है। इस गोलीबारी में दो कर्मचारी घायल हैं जबकि एक कर्मचारी की मौत हो गई है। लुटेरे कई लाख के जेवर लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस स्टेशन के बगल में ही चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। देर रात अंधेरे में दुकान की शटर तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुणे रेल मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया है। अगर सीसीटीवी नहीं लगी होती तो ये हादसा बहुत बड़ा होता। करजत लोनावाला के बीच रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरा। रेल मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर इस दौरान कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती तो हादसा होना तय था, मगर सीसीटीवी की मदद से होने वाला ये बड़ा हादसा टल गया। कोलकाता में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और दो डॉक्टरों की पिटाई कर दी। डॉक्टरों पर हो रहे हिंसा के खिलाफ मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। जेजे अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता के डॉक्टरों का समर्थन किया। तख्तियों पर डॉक्टरों पर हिंसा बंद करो, हम डॉक्टर हैं देव नहीं, जैसे शब्द लिख कर प्रदर्शन किया और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। नाना पाटेकर को क्लीन चिट मिलने पर 35 वर्षीय तनुश्री दत्ता ने निराशा जाहिर की है। आपको बता दें कि मीटू कैंपिंग के जरिए तनुश्री दत्ता ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, मगर इस मामले में निराश तनुश्री दत्ता ने पुलिस और कानून पर सवाल खड़े किए हैं। तनुश्री ने कहा है कि गवाहों को धमकाया गया है और फर्जी गवाह खड़े करने का आरोप भी लगाया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।